ही अकेला हूँ लेकिन मेरे को दूसरे लोग के साथ मैं कैसे बात करूँ और ही फील्स बैड अबाउट दैट दैट्स अ शाई पर्सन एक बात समझो एक होता है फमिलियरिटी कॉन्सेप्ट बाइट्स भाई से तुम पैदा हुए हो औरंगाबाद में कोई भी नाम ले लो शहर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सूरत में नागपुर में कुछ भी ठीक है तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल तुम जब भी मैं तुम्हें नागपुर की गलियों में ले जाऊंगा, चाहे तुम 30 के हो 25 के हो 35 के हो 40 के हो 45 के हो कोई भी उम्र हो जाए तुम्हारी जिंदगी की तुम किसी भी कोई भी किसी भी रोल को तुम अच्छी कर चलो आई एस फोड़ दिया तुमने आई एस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हो तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इवन दो तुम प्राइम मिनिस्टर हो तो जेड या वाई जो भी सिक्योरिटी थी वो सारी की सारी है तुम कंफर्टेबल तब हो गए तो तुम वो नागपुर की गलियों में हो जहां पर तुम बड़े हुए थे इतना खतरनाक इफेक्ट है फमिलियरिटी का हमारे दिमाग में जिस चीज से हम फमिलियर होते हैं उसमें हम किंग कॉन्ग हैं अब तुम यहाँ पे समझना मैथ बाइट्स भाई तुम्हारी फमिलियरिटी की पूरी रेंज है इंट्रोवर्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूं सैड बात यह है कि लाइफ में तुम क्लियर पॉइंट नहीं हो क्लियर पॉइंट वो इंसान होता है जो कि फ्यूचर देख सकता है तो तुम अपना फ्यूचर देख नहीं सकते तो तुम जो डिटरमिन कर रहे हो यहां पे जो भी कैलकुलेशन बिठा के कह रहे हो कि मैं अपने साथ खुश रहूंगा ये एक्चुअल में एक एजमशन है जो कि तुमने पास्ट एनालिसिस आपसे से कहती है मैं अभी तक अकेला रहूं तो इस बेसिस में हमेशा खुश रहूंगा कोई गारंटी नहीं है तुमने अपना फ्यूचर नहीं देखा है सच ये है दोस्त तुम अभी आई एम अज्यूमिंग पच्चीस साल के हो तुम्हें तो नहीं पता तुम फोर्टी साल में क्या फील कर रहे हो गे? ना तुम तो उस इंसान की जो चालीस साल का हो गया उससे बात कर सकते हो मेरे को जो चालीस में लोग मिले हैं भाई वो भी ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई सच बताऊं तो काफी समझदारी के साथ इंसान ढूंढ रहा होता है यानी कि सोच समझ के साथ यानी कि उसके कंसडरेशन वैसे नहीं होता जैसे कि की पच्चीस साल में एक लड़के के या चौबीस साल की लड़की जिसकी अरेज मैरिज होने वाली थी उसके होते हैं कि भाई हमको यह चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए उसकी लड़की ऐसी होनी चाहिए होनी चाहिए उसकी ना कैसी होनी चाहिए उसके चालीस साल में जो इंसान ढूंढ रहा है एक्चुअल उसके कंसिडरेशन बहुत ओपन माइंडेड होते हैं कि उसको इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने जिंदगी काफी एक्शन में लेवल तक आउट कर लिया उसने ये भी फिगर आउट कर लिया कि जितनी सारी चीज़ों को मैं बैठ बैठने भाव दे रहा था लॉन्ग टर्म इन सब की कोई औकात ही नहीं है या जिस इंसान के जब मैं रहूं तो सरदर्दी कम से कम हो कुल मिला के जितनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे जिंदगी का मतलब इतना होता चला जाएगा सरदर्दी सोचो चार सौ चीज़ें जो तुम अभी अभी दिमाग में इतना बड़ा बना के बैठे हुए हो जिनके दिमाग लेके फोड़ रहे हो बैठ के तुम्हें लगता अभी लड़की ऐसी होगी ऐसी हो तुम एट एंड रियलाइज करोगे इस सब चीज़ों को जो मैं माथा पकड़ के बैठा होता ना पच्चीस में तुम जहां भी अट्ठाइस हो गए उसी लड़की के साथ लग जैसे तुम्हें तीन साल जाएगी इसमें साथ ही क्योंकि वो आधी निन्यानवे प्रतिशत चीजों से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा तुमको का मूव ऑन कर करे उनसे बट ये चीज तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी ना तुम्हारे पास क्लियर वॉइन्स है सैडली ये वक्त के साथ उम्र के साथ चीजें समझ में आती हैं तो दोस्त जहां तक लोनलीनेस की बात है देर आर इनफ रिसर्चेज आउट देर बाहर दुनिया में जो कि तुम्हें बताएंगे दोस्त यू you नो know, फर्क तो पड़ता है मैं कितने लोग मैं एनेडोटल एविडेंस देता हूँ मैं जानता हूँ जिनको लाइफ में था कि यार शादी आदि नहीं करनी कभी नहीं करनी कभी नहीं करनी कभी नहीं उसका शादी होगी उसके बाद कहते हैं यार एक्चुअली हम बेवकूफ थे मैं एनेडोटल वो दे रहा हूं मैं हो सकता है, तुम ना हो ठीक है मैंने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरा दुनिया में किसी ने मुझे कहा मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे दिमाग में कोई प्रेशर था मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल दे, दे रहा हूं क्योंकि प्री डिसाइडेड था मुझे करनी है मुझे लगा जब चीजें बैठी परफेक्टली मेरे लिए तो मेरे लिए वो डिसीजन डिसीजन ही नहीं था सीमलेसली चीज कहते हैं ना जब फिट होती है मेरे लिए तो वो रहा एक सीमलेस ट्रांजेक्शन टू वन फेज टू अनदर लाइफ बिकॉज इट मेक्स सेंस बट यू हैव टू कंसिडर मैं बहुत तगड़े लेवल पे फोर साइटेडनेस कंसिडर करता हूँ नोइंग को मैं कभी कंसिडर नहीं करता यानी कि मुझे पता है इससे मैं बहुत दूर रहता हूं क्योंकि पच्चीस साल का जो मैं सोच रहा था वो अट्ठाईस नहीं रहा था तो मैंने चीज देखा कि 25 साल वाला बिट्रे कर रहा था मेरी असली श्वेता को क्योंकि अगर मैं पच्चीस साल वाले श्वेता की बातें सुन लेता ना तो अट्ठाईस क्या छूतिया कर दी अपनी जिंदगी में मेरी बात समझना है दिस इज द एरोगेंस ऑफ नोइंग या एरोगेंस ऑफ बींग क्योंकि हम जिंदा हैं क्योंकि, हम है, क्योंकि हमारा दिमाग वर्क करता है और क्योंकि हमारे पास कुछ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई गया कुछ लेवल ऑफ सोचने की क्षमता आ गई तो हमें लगता है कि भाई मैं 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 जान गया हूं मैंने फिगर आउट कर लिया है सब कुछ तुम खुद ही को बिट्रे करोगे एट ट्वेंटी एट या तीन साल जो भी तुम्हारी उम्र से ऐड कर लो उसमें वो इंसान कुछ और ही सोच रहा होगा वो इंसान के एक्चुअल एक्शन भी कंप्लीटली डिफरेंट होंगे जो इंसान अभी अब मैं सिंपल बता रहा हूं सत्रह अट्ठारह उन्नीस में कह रहा था कि यार यार मैं तो हम नहीं बढ़ेंगे तो खिलाड़ी आदमी है जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है दोस्तों ये भाई हो अब इक्कीस साल में वो रो रहे किसी लड़की के लिए रोए कि नहीं रोए कह रहे भाई हमें प्यार कैसे हो गया यार मैं कैसे कुत्ता बन गया मेरे दिमाग में तो मुझे पता था ना सा चक्कर में नहीं पढ़ना हर जो प्रॉब्लम आती है हमें लौंडा कहता है भाई हम ऐसे लड़के नहीं थे भाई भाई हम तो वही लौंडे थे जो भाई ये सब चीजों से दूर रहते थे भाई मैं तो वही लौंडा जो अपने सारे दोस्तों कहता था भाई इस चक्कर से कट मैं तो एक सेकंड में बता देता था ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है दोस्त उसके बाद तुम कह रहे हो तो भाई मैं खुद ही उसी चक्कर में आ गया भाई ये कैसे हो गया कैसे नहीं हुआ सिंपल सी बात है तुम उस बिलीफ में थे जब तुम उन्नीस के थे कि भाई मुझे पता है मैंने फिगर आउट कर ली है चीजें द ट्रूथ इज तुमने कुछ फिगर आउट नहीं किया था वो तुम्हारा 21 साल का 22 साल का जो इंसान था वो एविडेंस था उसका तुझे जो दो सेकेंड लगे वो सारी चीजें जो तुझे लग रहा था उन्होंने फिगर आउट कर रखी हैं उनको क्रम्बल होने में टूटने में बिखरने में तो मैं यहां पर यह बिलीव नहीं करना कि मुझे जो फमिलियरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पता चल गया है वो ट्रूथ है इस पर विश्वास मत करना सेंस लॉजिकल वे ऑफ लिविंग लाइफ पे अगर तुम कर सको निर्भर इट्स मच बेटर देन द इमोशनल कंसेंसस ऑफ योर ओन इमोशनल थिंकिंग इमोशनल कंसेंसिस इज वेरी वेरी बैडली गोइंट टू बेट रे यू भाई इन द फ्यूचर तुम्हारा जो भी मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र क्या हो सकता है तुम ट्वेंटीज में ही हो सो यू स्टिल हैव यस अगर पेरेंट्स कह भी रहे हो करने को हो सके तो एक स्टेटिस्टिक्स खुद दिमाग से ड्रॉ करो सौ लोग जिनको मैं जानता हूं तीस में उनकी जिंदगी का क्या हाल है एक और मैं लास्ट चीज बोलना चाहूंगा लाइफ में हमारे देश में स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक चीज होती है शादी को बड़ा जोक कितना लिया जाता है कि दूल्हे की लग रही है अगर दूल्हा शादी कर रहा है तो राइट सुने है तुमने जोक्स शादी हो रही है तो लौंडे के लग गए फर्स्ट रिस्पॉन्स इसलिए हमेशा जब भी आप किसी से बात करते हो इंसान से शादी के बारे में आदमियों की प्रॉब्लम नहीं होती है हम दूसरे को क्या देते हैं भाई तुम्हारे तो लग गए भाई शादी ना करना खुद शादीशुदा हैं खुद तुम्हारी जिंदगी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो रीप कर रहे हैं बेनिफिट्स लेकिन सामने को हमेशा ऐसे बताएंगे जैसे हमारी बीवी पहले

डायनेमिक्स क्या है इनकी रियल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है इस रिलेशनशिप में यह बुलशिट पॉस्टरिंग हटाओ जहां पे मुझे दिखाना मैं मर दू मैं मर यार शादी में फंस गए यार शादी में फंस गए ओए ओए ओए, ओए। उस नॉनसेंस को रियल मत ले लेना यह मैं कह रहा हूं यहां पे उसमें रैप ऑफ मत हो के उसको रियल एडवाइस में मत समझ लेना उनसे रियल एडवाइस तब होगी जब वो ये बुलशिट हम जहन से निकाल देंगे थक जाएंगे कि हाँ हमने मर्दों वाला काम कर लिया जो कि हमारे एनसेस्टर एनसेस्ट्री से चलती आ रही थी चीजें

स्पेसिफाई करो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू वांट और ये बात लड़कियों पे भी अप्लाई होती है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू वांट इंस्टेड ऑफ दिखती कैसे यही प्रॉब्लम है भाई जहां मैं जितनी बार मैं जो रोस्ट करता हूं या जो बोलता हूं कि जो लोग सिखा रहे हैं लड़कियां कैसे पटाएं अभी लड़की कोई मटका है क्या जो डायलॉग मेरा अब चल रहा है अब मटका है क्या कोई लड़की कैसे पटाएं किसी बेवकूफ वाहियात वाली बात है ना ये जो मेरी एडवाइस भी थी लड़कियों से कैसे बात करनी है उसमें मैंने क्या सिखाया है यही कि लड़कियों से बात इसलिए बहुत सारी उसे करो ताकि भाई तुम्हें यह चीज खुद समझ में आए कि लड़की मटका नहीं है और यही चीज तुम्हें समझ में आएगा कि भाई अगर आपको एंगेज करना है ट्रस्ट में ये डर तुम्हारा एलिविएट हो सकता है अगर तुम सिंपल से यह फिगर आउट कर लो कैसा इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहूंगा एंड देन फाइंड दैट काइंड ऑफ पर्सन और अ पर्सन क्लोज टू दैट एंड इवन देन भी कोई गारंटी नहीं है वो वर्क कर बट सच के जब तुम बहुत करीब होते हो और तब वो वर्क ना करे यू ओनली गेट क्लोजर टू वॉच यू वॉन्ट इंस्टेड ऑफ कि तुम इतना दूर हो कि पहुंच तो तुम पाओगे ही नहीं और तुम वहीं पता नहीं क्या चोटे खाए पड़े हो ये लड़की ने रिजेक्शन दे दिया उसने भी रिजेक्शन दे दिया अरे भाई नई ट्रिक बताओ भाई ये ट्रिक वर्क नहीं करी भाई ना पता है कहां जाना है ना पता है तुम कहां हो ये है वीडियो स्कूल में लाके लड़की कैसे पटाएं या लड़का कैसे पटाएं अरे पहले ये तो देखो जाना कहां है और जाना कहां बनता है वेयर एम आई मेरी फीट कहा लैंड होनी चाहिए मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरी नीड्स के हिसाब से क्या नीड्स हैं जो मेरी खुद की भी जायज हैं और ना जायज हैं क्या उसकी नीड्स हैं जो जायज हैं और ना जायज हैं हमारी नाजायज नीड्स को मैं कितना किक आउट कर सकता हूं कितनी नाजायज नीड्स को भी मैं सुन लूंगा ऐसे समझो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है हलवा नहीं है भाई भी खुश रह पाओगे तो ऐसा नहीं है तो तुम्हें पार्टनर नहीं मिल सकता ऐसा जिसके साथ तुम कहो कि लाइफ सेट है बढ़िया है मजा है और मैं एक बात दिल से बताना चाहता हूं जितने लोग हैं यहां पर मुझे नहीं पता यहाँ पे मैरिड लोग कोई है कि नहीं है बट कितने लोग होंगे जो तुम्हें बताएंगे वेन यू फाइंड अ पर्सन जिसके साथ चीजें वर्क करती हैं इन द सेंस इंटुएटिवली आप ट्यून्ड होते हो और आप समझते हो क्योंकि यू आर वेयर यूर सपोज टू बी एंड शी इज वेयर शी इज सपोज टू बी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लाइफ प्लानिंग फाइनेंशियल तुम्हारी जितनी भी चीजें गोल्स हो गए को सॉल्व कर दिया वो है ढूंढना या फिर लड़की ना होने के चक्कर में बैठे हैं घर में कि लड़की क्यों नहीं है खत्म वो प्रॉब्लम लाइफ में लाइफ टाइम प्रॉब्लम ओवर फकिंग ओवर ना तुम घर आते हो जब वो घर आती है जो भी अगर घर पे काम कर रही है वो घर पे

खत्म खत्म बैठ के चौबीस घंटे बैठ के टेक्सटिंग कर रहे है लड़की का टेक्स्ट नहीं आ रहा इसका रिप्लाई नहीं आ रहा यार क्या करें यार क्या सोचती है मेरे बारे में भाई बॉडी नहीं है तो क्या मैं मेरे को लड़की नहीं मिलेगी भाई हमको सिखाओ भाई हमको कोर्स लेने पड़ेंगे चार यार भाई कोर्स लेता हूं मैं भी हमको लड़की पटाना ये इंसान सिखाएगा उल्लू के पट्ठों वाली चीजों से तुम मुक्त होते हो जिंदगी के ग्रेटर पर्पसेस की तरफ पहली बार तुम्हारे पास अंदर एसेंस में तुम्हारे तुम्हें फ्रीडम मिलता है एक्सप्लोर करने का वट व ग्रेटेस्ट या ग्रेटर परपसेज जिनके लिए मैं बना था आओ आओ घुसें उसमें क्या ग्रेटर जिसमें ये बनी थी सबसे गजब एग्जाम्पल बताया मेरे को देख के दिल खुश होता है मेरी कुछ गुरु हैं यूट्यूब पे गुरु इन द सेंस जिनसे मैं कुकिंग सिखाऊं तो वो तुम्हारी कविता किचन हो गई एक दादी जी हैं उनका चैनल का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा बहुत प्यार से बात करती हैं वो शायद जैन है थोड़ी तो वो कभी भी खाने में ना वो प्याज वो कभी नहीं डालती है कितने सारे चैनल्स हैं सोनिया बार्टन चैनल है सोनिया बार्टन की रेसिपी बहुत बढ़िया होती है भाई अब इन गुरुओं को मैं पता देख के कैसे सोचता हूं इन गुरुओं का क्या सीन हुआ होगा कि इन्होंने आज अपना फुल पोटेंशियल अचीव किया है भाई ये करोड़पति हैं डू यू नो दैट सोनिया बाटन हो गए कविता किचन हो गए जितने भी चैनल हैं बहुत सारे चैनल हैं ऐसे भाई हिबार्स किचन करके है स्पाइसी ईट्स करके चैनल है निशा मधुलिका थैंक यू भाई निशा मधुलिका जी मेरी मेरे को अपनी दादी वाली फीलिंग आती है वट आर दे डूइंग अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर रहे हैं वो घर में बैठे समझो किसी की मम्मी होंगे किसी ने बेटे ने कहा मम्मी आओ वो करते हैं तुम किस लेवल का फ्रीडम पाए बैठे हो अपने दिमाग से कि तुम अपना फुल फकिंग पोटेंशियल जो भी तुम्हारा स्किल लेवल है करंटली जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बन रहा है लेजर्स से अब मुझे नहीं पता ट्रू पोटेंशियल क्या है मैं नहीं कह सकता कभी किचन का लाइफ का सबसे मेन गोल था खाना बनाना हो सकता है वो फिजिसिस्ट बनना चाहती हूँ हु नोस वी डोंट नो राइट बट करंट स्किल लेवल उनका जब भी उन्होंने चैनल स्टार्ट किया होगा उन्होंने उनका से इंटरेस्ट था कुकिंग, उन्होंने उसको किसी मेंबर ने इनको सपोर्ट किया यानी कि हस्बैंड का भाई जाओ करो ये कितनी खूबसूरत चीज है इमेजिन करो एक फैमिली रोमांस रिलेशनशिप इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, से इन देखना स्टार्ट करो अगर तो तभी पॉसिबल है जब आप इस दुनिया की सरदर्दी से मुक्त हो चुके हो कि मैं कैसे पटाऊं या ना पटाऊं वो करूं या ना करूं तुम्हारा फीमेल इक्वेलेंट जो है रिलेशनशिप में तुम्हारा पार्टनर वो फाड़ है अपने लेवल पे जो भी उसका करंट स्किल सेट है उसके पास इस वक्त और तुम्हारे फ्रीडम है भाई तुम्हारे को जहां फाड़ना तुम फाड़ो और क्या चाहिए लाइफ का पॉइंट क्या है इट्स अ गेम अगर आप गेम में खेल नहीं रहे हो जीत नहीं रहे हो आप बोर हो जाओगे लाइफ से फिर आप फील करोगे लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है मजा नहीं आता लेकिन जब तक आप एडवेंचर्स में रहोगे गेम में आपको मजा आता रहेगा जिंदगी में आप एज भी होते रहोगे तब भी आपको मजा आता रहेगा क्योंकि एक गेम कंकरेंटली चल रहा है आपकी लाइफ में और गेम तभी शुरू होते हैं जब आप बहुत लंबी लेवल की सरदर्दियों को साइड में रखते हो so, सो ये सब चीजें तुम कंसिडर कर सकते हो दो जिसने भी शादी शादीवादी के लिए बोला कि कितने लेवल हैं देखने के इन चीजों को तो एक सिंपल अपने बायस लेवल से मत देखो और नो लेवल भी है चीजों को देखने के